चेन्नई सुपर किंग्स ने बुधवार को बेहद रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के हीरो रहे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 34 गेंदों में नाबाद 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और हार के जबड़े से जीत छीन कर सीएसके को दिला दी। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। जिस समय धोनी आए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज उमेश यादव और युजवेंद्र चहल अपनी गेंदबाजी से कहर बरसा रहे थे, लेकिन धोनी ने स्वयं से काम लिया और अंत के ओवरों में आरसीबी के गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने का प्लान बनाया। रायडू और धोनी ने टीम की जिम्मेदारी ली और 5वें विकेट के लिए 101 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत के रास्ते पर बनाए रखा। रायडू 175 के कुल स्कोर पर उमेश की सीधी थ्रो के कारण रन आउट हो गए। रायडू ने 53 गेंदों की पारी में 8 छक्के और 3 चौके लगाए, लेकिन धोनी क्रीज पर मौजूद थे। आखिरी ओवर में चेन्नई को 16 रनों की दरकार थी। ड्वेन ब्रावो ने आखिरी ओवर में 1 चौका और 1 छक्के के अलावा 1 रन लेकर स्ट्राइक धोनी को दी, जिन्होंने 4थी गेंद पर अपने चिरपरिचित अंदाज में शानदार छक्का जड़ टीम को जीत दिलाई। धोनी ने अपनी पारी में 34 गेंदों का सामना किया और 7 छक्कों के अलावा 1 चौका लगाया। इस जीत के साथ चेन्नई अंक तालिका में पहले स्थान पर आ गई है।